हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जीआर में स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बजट पीसी बिल्ड करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 6 महीने पहले एक पीसी बिल्ड किया हूं जो मैं यूज़ करता हूं पर्सनली, तो मेरा क्या फीडबैक है इस पीसी बिल्ड के साथ और इसका प्राइस मुझे 30,000 के लगभग में पड़ा था। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया और इस पर मैं कौन कौन सा वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बताऊँगा कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पर मैं कौन कौन सा वर्क करता हूँ। तो इस पर मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ ऐसे YouTube के लिए, और i3 प्रोसेसर पे पबजी प्ले नहीं होता, लेकिन मैंने जो प्रोसेसर सेलेक्ट किया उस पर काफ़ी आसानी से 1080p तक आप पबजी प्ले कर सकते हैं या 60fps पे, ठीक है। तो मैं लाइव उसको बताने वाला हूँ पबजी प्ले को करके, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सा कंपोनेंट मैंने यूज़ किया और इसका फीडबैक क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है। तो सीधे लाइव हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया। वैसे मैंने अभी पीसी बिल्ड किया तो उस समय मैंने वीडियो शूट किया था, बाय द वे पीसी में ही था। एक बार अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसी वजह से मैंने पीसी को फॉर्मेट किया तो मतलब सारा ड्राइव फॉर्मेट हो गया वो मुझसे गलती से, तो सारे वीडियोज़ वगैरह डिलीट हो गए, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बनाया। और कुछ कंपोनेंट्स है जिसका मैं वीडियो अपलोड किया हूँ एक ड्राइव पे, तो वहाँ से मैं सोचूंगा कि उस कंपोनेंट का बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आपको लाइव ले चलते हैं अपने पीसी के डेस्कटॉप पे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने पीसी पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपने पीसी का प्रॉपर्टीज आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोसेसर है जो राइजन 3 2200G है विद वेगा ग्राफिक कार्ड्स के। इसको मैंने बूस्ट नहीं किया, नॉर्मल जो प्रोसेसर का स्पीड है वो 3.50 GHz है। और जो मैंने इस पीसी के साथ रैम इंस्टॉल किया था वो 8GB का था, जिसमें आप देख सकते हैं 5.95 यूजेबल है। तो इसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगा जब मैं इंस्टॉल बताने रैम के बारे में बताऊंगा उस टाइम। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा पीसी का प्रॉपर्टीज़ है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मैं कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया हूँ इस पीसी में। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दिया हूँ कि हाँ, मैं मेरा पीसी के जो वीडियोस था वो सारे डिलीट हो गए, पीसी में ही था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल मोरा का मैं क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इससे भी मैं एडिटिंग करता हूँ। और पबजी अभी हाल फिलहाल में मेरे पास नहीं है, इंस्टॉल कर दिया हूँ, उसमें बहुत सारा टाइम मतलब वेस्ट हो जा रहा था इसलिए अनइंस्टॉल करके रखा हूँ। और सबसे पहली बात, हम चलते हैं अमेज़ॉन पे। सारा प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिर से सेलेक्ट करके रखा है। तो इसका प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, तो मैंने A to Z सारे चीज़ का प्राइस मतलब यहाँ पे ऐड किया। आप देख सकते हैं 29,053 रुपया पूरा प्राइस है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारा होता है कंपोनेंट होता है कैबिनेट। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन कैबिनेट लेते हैं तो आपको इससे भी सस्ता मिल जाएगा, ये मतलब 800-700 रुपये में आपको कैबिनेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि ऑनलाइन ही ख़रीदना है तो ये कैबिनेट बेस्ट है, सबसे बजट कैबिनेट है। वो कैबिनेट तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है या आप अपने साइड में रखना है, तो उसके लिए आप कैबिनेट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यानी कि बजट पीसी बिल्ड के लिए बजट बेस्ट एक कैबिनेट है। नेक्स्ट जो हमारा होता है मॉनिटर। मॉनिटर में यानी कि जो मॉनिटर पे हम वर्क करते हैं वो पूरा मतलब फुल ये मतलब एक होता है ना अच्छा मॉनिटर होना चाहिए। तो सैमसंग का ये IPS पैनल मॉनिटर है जिसमें आपको बहुत ही फैसिलिटी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये फुल HD डिस्प्ले वाला कैबिनेट है, HIPS पैनल है इसमें। और का आपको ये 1 VGA पोर्ट मिलता है, 1 HDMI पोर्ट मिलता है, ठीक है। वाइड एंगल भी इसका आपको व्यू एंगल है जिस तरह का है मॉनिटर। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे अभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो बहुत ही मतलब पावरफुल एक मॉनिटर है बजट में, यदि आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। खुद मैं यही मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको पावर सेवर मिल जाता है, ई प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत सारा कुछ सेटिंग्स है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर ले, अब यहाँ पे हमारा होता है कि कौन सा मदरबोर्ड ले। तो मदरबोर्ड यानी कि आपको बजट पीसी भी रहता है, बेस्ट मदरबोर्ड होना चाहिए। तो सबसे मतलब बजट में बेस्ट पीसी मदरबोर्ड यहाँ पे आपको गीगाबाइट का GA320MA2H मदरबोर्ड है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें कुछ ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। प्रोसेसर इसमें सॉकेट AM4 सॉकेट है जो कि लेटेस्ट है, और आपको मेमोरी भी DDR4 लेटेस्ट है, SDRM यानी कि हैवी भी
मेमोरी यूज़ कर सकते हो, और वायरलेस टाइप यानी फ्रीक्वेंसी आपका 5.8 GHz तक इसमें मिलता है। आप बजट के लिए बेस्ट मदरबोर्ड है सकते हो। इसका प्राइस कुछ इस तरह 3,948 रुपये पड़ रहा है। इसका प्राइस में डिस्काउंट वगैरह होते रहता है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमने देख लिया। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है, आपको पूरा पीसी को इसी के ऊपर चलना होता है। तो पावर सप्लाई कम से कम 450 वाट को ले, ताकि जलने वगैरह का डर नहीं हो। कम वाट के लेंगे तो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पावर सप्लाई जल जाता है, इसलिए थोड़ा पैसा खर्चा करें और पावर सप्लाई बेस्ट ही लें। तो इसका प्राइस आपको 2700 रुपया पड़ रहा है, और इसमें भी बहुत अच्छा इसकी बेस्ट यहाँ पे आपको इस पावर सप्लाई के साथ में मिल जाता है सेटिंग। यानी कि बोल सकते हैं इसका ओवर वोल्टेज होगा तो ऑटोमेटिक सर्किट डाउन हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई इसका प्राइस। नेक्स्ट कंपोनेंट की अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्रोसेसर कौन सा। तो आपको बहुत सारा प्रोसेसर है राइजन का। बजट अगर यदि आप पीसी भी यूज करते हैं तो राइजन का बेस्ट प्रोसेसर होता है, यानी कि बहुत सारा सेटिंग मिलता है, और इसमें इनबिल्ट वेगा ग्राफिक कार्ड सबको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप वीडियो एडिटिंग और पबजी यार आसानी से खेल सकते हैं। ऑलरेडी मैं इस पे पबजी और वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं Ryzen 3 200G विद रेडियोन वेगा ग्राफिक कार्ड्स। ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन 4 कोर 4 थ्रेड्स है, और आपको यहाँ पे DDR4 मेमोरी चैनल 2 मिल जाता है। यहाँ पे मेमोरी का स्पेसिफिकेशन है वो वहाँ पे 2933 MHz है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स AMD रेडियन वेवी ग्राफिक कार्ड्स का इसका 3 ईयर का वारंटी भी आपको इसके साथ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ैन वगैरह अलग से नहीं लेना होता है, इनबिल्ट डीसी में होता है फ़ैन वगैरह। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर ले, अब हमारा आता है अपने सारे डाटा को स्टोरेज के लिए। तो आप SSD भी यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं SSD ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। यदि आपका बजट इससे भी ज़्यादा है तो आप SSD यूज़ कर सकते हो। और कुछ फ्री का एडवाइस मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तब तक इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहिए। ये बात करते हैं कि इसका प्राइस कितना पड़ रहा है। इसका प्राइस आपको 3030 रुपये लगभग पड़ रहा है। इसका प्राइस आपको अप डाउन होते रहता है, तो आप देख ले कब आपको लेना है, उसी के हिसाब से 10 दिन का मतलब अंतराल में आप देखें, जब कम होता है तभी ऑर्डर करें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 TB तक आपको कैपेसिटी मिलता है। यहाँ पे 64 MB के बफर साइज है और 7200 RPM क्लास है। ठीक है, तो बेस्ट सबसे मतलब बेस्ट हार्ड ड्राइव है, इसी को माना जाता है वेस्टर्न डिजिटल का ब्लू ब्लू। ठीक है, इसी हार्ड ड्राइव्स। नेक्स्ट कंपोनेंट की अब बात कर लेते हैं हम रैम। रैम का सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि यहाँ पे DDR4 3000 mAh ऑर्डर किया, बट इसके साथ मुझे जो चीज़ मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 8 GB लगाने के बाद भी हमें 5.95 ही यूजेबल है, 8 GB का कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप ले सकते हो। अब जब कंपनी उतना ही देती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब बोले तो पावरफुल है, और 8 GB का है। यदि आप दो स्टिक लगाना चाहते हो 4 4 GB का तो बेस्ट होगा, लेकिन प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कि उसका कितना प्राइस पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 4G स्टिक का पड़ रहा है 1780 रुपये। तो दो स्टिक आप लेते हो तो 3560 रुपये 8 GB का, और यहाँ पे 8 GB का जो स्टिक है इसका 2692 रुपये। तो ओनली स्टिक आप यदि 8 GB का यूज़ करते हो तो 2692 रुपये पड़ता है, और 4 GB का डबल स्टिक यूज़ करोगे तो आपको वहीं 3560 रुपये पड़ेगा। तो यहीं पर कुछ कंपोनेंट 3560 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा डेल का, एक बेस्ट मतलब इसमें आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है यदि आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो ये बेस्ट होता है। तो ये डेल का मैंने माउस लिया जिसका प्राइस 269 रुपये पड़ रहा है। डेल का कीबोर्ड भी लिया जिसका प्राइस मुझे 549 रुपये पड़ रहा है। तो ये टोटल लेके मुझे 29,053 रुपया पड़ रहे हैं। तो यही थे हमारा पीसीबी उल्ड यही तो हमारा पीसी भी उल्ड। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं पबजी के ऊपर लाने वाला हूँ, मैं कल या परसों में अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले यदि आप पीसी भी उल्ड करना चाहते हैं। तो धन्यवाद।